श्रीमान कृष्ण, दौलतपुर में रहते हैं, हरियाणा में। दौलतपुर? हाँ, मेरे पास कब आए? सातवीं बार आए। आप आ क्यों रहे हो इतनी बार? आपको आराम पड़ रहे हैं? आराम। क्या आराम पड़े आपको? मेरे दो लड़के थे, दोनों कंटों। दोनों कंटों में? अच्छा। मेरी एक पोती थी, मेरे पूरी दशा करण लगी थी। अच्छा, पितर दोष बताया था भैया ने, पितृ दोष बताया था कि पितृ दोष है जम के। जून लाया करती, जून में सारे ठीक है, मेरे कंधे में। अच्छा, सारे घर वालों को खुजली रहती थी, कंधों में वजन रहता था, और हाथ जो है ठीक से उठ, कलेश भी था, आलस्य भी था, आता था कि नहीं आता था? खूब आलस्य, कि किसी का घर से उठने का मन ना करे। हाँ, एक तो पैरालाइज है, मैं यहाँ भी ले आता। अब आराम क्या पड़ा? मतलब अब उसको आराम आने लग गया। और आपको क्या आराम लगा? आपके कंधों पे वजन रहता था? मेरे कंधे बिल्कुल दीपदान से ठीक हो। बाबू जी के कंधे बिल्कुल दीपदान से ठीक हो गए, तालियां बजा दो भाई इसके लिए। तो और भक्ति जी, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, मैंने भी कल कमेंट करे थे आपको, कोई टॉर्चर कर रहा था, मैं ये कह दम जी जान से आपके साथ। जय शनिदेव। जय। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके पितरों का दोष आपको कभी भी परेशान ना करे, आप दीप दान करते रहें, भगवान की परिक्रमा करते रहें, और शनि धाम में आपका सदा स्वागत है। आप जितने आएंगे उतनी समस्या आपकी जड़ से मूल से खत्म हो जाएगी। जय शनिदेव। वो देख लेंगे।